आँखों के नीचे स्याह घेरे बन जाते हैं, काले काले घेरे, और दूर से ऐसा लगता है जैसे चश्मा लगा हुआ है। और ये आँखों के नीचे स्याह हल्के घेरे बन जाना, ये बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है। इसका एक जो मेन रीज़न है वो ये है, रात में ज़्यादा देर तक जागना, नींद का पूरा ना होना इसकी मेन वजह है। और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द हज़रात ने, भाइयों ने, बहनों ने, सभी ने ये कहा कि कोई इलाज इसका बताएं और कोई ऐसी चीज़ जो तिब्बी किताब में मौजूद हो। तो वही दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर किसी के स्याह हल्के आँखों के नीचे बन गए हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बड़े भद्दे भी लगते हैं वो, और ज़ाहिर है एक आदमी फितरी तौर पर फ़िक्रमंद हो जाता है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो उसकी पहली चीज़ तो ये, नींद वक्त पर लें, पूरी नींद लें जिससे कि आपकी बॉडी को सुकून रहे, रात में ज़्यादा देर तक मोबाइल ना चलाएं, ये पहली चीज़ है। अब तीन चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आँखों के नीचे जो स्याह हल्के हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप खीरा, जो खीरा होता है ना, खीरे का रस, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और अपने हिसाब से मिला लें, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कम हो जाए कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। अपने हिसाब से खीरे का रस, उसमें शहद मिला लें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 चम्मच खीरे का रस ले लें और थोड़ा सा उसमें शहद मिला दें आधा चम्मच, और उसका एक पेस्ट सा बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसको आँखों के घेरे में लगाएं और मलें, मसाज सा करें और 30 मिनट तक लगा रहने दें, उसके बाद अपना चेहरे को धो लें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये आँखों के जो स्याह घेर होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा जो इलाज तिब्बी किताबों में है वो ये है कि संतरे का रस, उसमें 4-6 बूंदें ग्लिसरीन की मिला लें और फिर वो उस स्याह हल्के और जो घेरे बने हुए हैं वहाँ लगाएं, थोड़ी देर के बाद फिर उसको धो लें। इस तरह से करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और जो सबसे आसान इलाज है स्याह हल्कों का वो ये कि बादाम का तेल, जैसे रोगन बादाम शीरीन है, इसी तरह से मार्केट में जो बादाम के तेल अवेलेबल हैं वो ले लें और उसका रोज़ाना सोने से पहले आँखों के नीचे जहाँ स्याह हल्के हों वहाँ लगाएं, और फिर सुबह उठने के बाद उसको धो लें, रात को सोने से पहले उसको लगा लें और सुबह उठकर धो लें, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इन तीनों में से जो आपको आसान लगे वो आप कर सकती हैं, कर सकते हैं। और स्याह हल्के हमारी ख़वातीन को बहुत परेशान करते हैं, मर्द हज़रात के हो जाएं, नौजवान को हो जाएं, तो वो भी अच्छे नहीं लगते, बहरहाल दूर से बेकार ही लगते हैं। तो ये तीन जो मैंने आपको तिब्बी किताबों से नुस्खे बताए हैं, आप इन तीनों पर अमल, जो आपको आसान लगे आप अमल कर सकती हैं। एक से फ़ायदा ना दूसरा ट्राई कर ले, दूसरा नहीं तो तीसरा, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा। इसके लिए कुछ शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।